अक्सर हम टाइम टेबल बना तो लेते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं, और अगर फॉलो कर भी पाते हैं तो एक से दो दिन फॉलो होता है और उसके बाद फिर वहीं के वहीं रहता है। दूसरा ये कि कोई अगर तुम्हें मान लो पूरा शेड्यूल लिख के दे दिया कि 6 से 7 ये करना है, 7 से 8 ये, 8 से 9 ये, और तुम बहुत खुश हो जाते हो, तुम्हें लगता है कि वाह मेरे लिए वो टाइम टेबल आ गया, अब हम उसको फॉलो करेंगे। सच्चाई ये है कि वो तुम्हारे लिए टाइम टेबल होता ही नहीं है, वो तुम्हारे लिए टाइम वेस्टर होता है और जिसके वजह से तुम उसे फॉलो नहीं कर पाते हो। समझते हैं कि क्या है डिफरेंस बिटवीन टाइम टेबल और टाइम वेस्टर और क्यों नहीं फॉलो कर पाते हो। एक तो रीजन भी देखेंगे और दूसरा मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा कि कैसे खुद से टाइम टेबल बनाओगे और उसे हमेशा फॉलो भी कर पाओगे कंसिस्टेंटली। सबसे पहले समझते हैं ये कि ये जो कोई बना के दे दिया 6 से 7, 7 से 8 पूरा लिस्टिंग, ये तुम्हारे लिए टाइम वेस्टर कैसे है। तो समझो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि सारे स्टूडेंट जितने भी हैं सबका अपना एक अलग अलग शेड्यूल होता है। कोई स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो कोई ड्रॉपर है, किसी दिन स्कूल में हाफ डे है, किसी दिन फुल डे है, किसी दिन छुट्टी है। कोई ड्रॉपर है तो हो सकता है वो अर्ली राइजर्स हो, कोई नाइट आउट्स होता है, कोई मॉर्निंग में स्टडी करना चाहता है, कोई लेट नाइट स्टडी करना चाहता है, किसी के ट्यूशन सुबह में होते हैं, किसी के ट्यूशन शाम में होते हैं। तो इतने सारे वेरिएशंस के साथ कैसे कोई एक शेड्यूल बता देगा तुम्हारे लिए कि 6 से 7 ये करना है, 7 से 8, 8 से 9 ये, और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट टाइम टेबल हो जाएगा और सारे लोग क्या करते हो उसको फॉलो भी करने की कोशिश करते हो। हाउ इट इज पॉसिबल? इसलिए मैं कह रहा हूँ वो टाइम टेबल नहीं, वो टाइम वेस्टर है, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, है ना, सवाल ये उठता है। तो सवाल ये है बच्चों, तुम्हें क्या करना है, टाइम टेबल खुद से बनाना होगा कुछ फ्रेमवर्क्स को एडॉप्ट करके। फ्रेमवर्क्स, अब बोलोगे कि ये फ्रेमवर्क्स क्या होता है, तो कुछ रूल्स होते हैं, कुछ स्ट्रेटजीज होता है, है ना, वो फ्रेमवर्क्स मैं बताऊंगा जिसको कि जब तुम अपने से टाइम टेबल बनाओगे तो ये फ्रेमवर्क्स को उसके अंदर डालना और अपने से टाइम टेबल बनाना। जो टाइम टेबल तुम खुद से बनाओगे यूजिंग दिस फ्रेमवर्क्स वो तुम्हारे लिए होगा परफेक्ट टाइम टेबल। 15 से 20 लाख बच्चे एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं आज कॉम्पिटिशन के अंदर, सिलेक्शन कितने का हो रहा है, सिर्फ 1% का, और 1% सिलेक्शन हो रहा है। वो सारे स्टूडेंट्स ना फ्रेमवर्क्स एडॉप्ट करते हैं और खुद से टाइम टेबल बनाते हैं जिसके वजह से वो 1% के अंदर जाते हैं, बाकी बस कोई बता दिया उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो तो फॉलो होता ही नहीं है, फिर हम 99% के अंदर रह जाते हैं। तो 99% में ना रहकर 1% में जाने के लिए जो है ना ये टाइम टेबल का फ्रेमवर्क्स एडॉप्ट करना है। चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले डे वर्सेस नाइट स्टडी, कि मुझे किस समय पढ़ाई करना चाहिए, या अर्ली मॉर्निंग में या लेट नाइट स्टडी करना चाहिए। अगर स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो तो तुम्हारे लिए द बेस्ट है कि अर्ली मॉर्निंग में ही पढ़ाई करो, लेट नाइट स्टडी ये ऑप्शन ही तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि लेट नाइट स्टडी अगर करोगे 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक तो सुबह स्कूल कैसे जाओगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, अर्ली मॉर्निंग करो। ठीक, अब अगर ड्रॉपर हो तो किस में पढ़ाई करना चाहिए, तो दोनों बेस्ट है, अर्ली मॉर्निंग में पढ़ो वो भी ठीक है, लेट नाइट स्टडी करो वो भी ठीक है। लेकिन मेरे से अगर पूछोगे कि सर द बेस्ट कौन सा है ये दोनों में, तो मैं बोलूंगा कि इन दोनों में द बेस्ट है अर्ली राइजर्स, यानी कि अगर ड्रॉपर भी हो अर्ली मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करते हो तो ये तुम्हारे लिए इन कंपैरिजन टू ये द बेस्ट होगा। क्योंकि ऐसे देखो लास्ट 12 ईयर से पढ़ा रहा हूं तो पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का सक्सेस और फेलियर्स देखे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो लेट नाइट स्टडी करते हैं 2 बजे तक तो छोड़ दो, 2, 3, 4, 5 बजे सुबह तक भी पढ़ाई करते हैं, और ये कहते भी हैं कि सर उस समय पूरा फोकस्ड होकर पढ़ाई करते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करता है, ना घर में कोई काम बोल रहा है करने के लिए, ना कोई फ्रेंड है, ना कोई कुछ, कोई डाइवर्सन नहीं है। बात बिल्कुल भी सही है, कोई दुराई नहीं है इसमें, लेकिन बस उनसे गड़बड़ी कहाँ होता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट गड़बड़ी किए हैं कहाँ, फाइनल एग्जाम में। फाइनल एग्जाम में गए, वो एग्जाम तो रात में हो ही नहीं रहा है, जिसमें हमने सालों भर प्रैक्टिस किया है कि 6-7 घंटे रात में हम पढ़ते हैं, फोकस्ड होकर, अटेंशन होकर, बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व होता है, थ्योरी भी पढ़ते हैं, गजब तरीके से समझ में आता है एक एक बार में, लेकिन एग्जाम दिन में हो रहा है, मॉर्निंग शिफ्ट में हो रहा है एग्जाम, इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, उस समय तो मॉर्निंग शिफ्ट मेरा तो सोने का हैबिट है, और हम चाह रहे कि डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में पूरा अच्छा परफॉर्म करें, ब्रेन हमारा काम भी करना चाहिए, सारे क्वेश्चन एकदम सॉल्व करें, तो जब प्रैक्टिस ही नहीं किए साल भर वो सीधे फाइनल एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि ब्रेन ही उस समय नहीं काम करता, पेपर अटेम्प्ट ही नहीं हो पाता है अच्छे से, नॉलेज होने के बावजूद भी सिलेक्शन रुक जाता है। ठीक है, दूसरा है कि हमें टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए, तो वो है क्या कि पर डे एक टाइम टेबल नहीं, 2 टाइम टेबल तुम्हें बनाना चाहिए यूजिंग TAC स्ट्रेटजी। क्या है ये TAC स्ट्रेटजी बताता हूं, देखो टी ये टारगेट, समझना जरा कि क्या है ये, ए है एनालिसिस और सी है ये कंप्लीट। क्या है भाई, टारगेट एनालिसिस कंप्लीट स्ट्रेटजी। समझते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले पर डे तुम्हें एक टाइम टेबल बनाना है जो कि होगा टारगेट टाइम टेबल, यानी कि पहला टाइम टेबल होगा मेरा
टारगेट टाइम टेबल, उसके अंदर हम करेंगे क्या, अपने टारगेट्स लिखेंगे कि आज दिन भर में मुझे क्या क्या कंप्लीट करना है। उस टारगेट के बगल में टाइम अलॉटमेंट भी लिखोगे कि ये काम को करने में मेरे को कितना समय लगेगा, 40 मिनट या एक घंटा या डेढ़ घंटा, तो ये टाइम भी ब्लॉक हो गया वहां पर, ठीक है, हर टारगेट में। तो पहला टाइम टेबल हो गया। दूसरा क्या करना है, दूसरा टाइम टेबल मेरा फोकस्ड होगा एनालिसिस और कंप्लीट को लेकर। बहुत ही बेहतरीन, इसका इतना बेनिफिट है, मैं अभी बेनिफिट्स दिखाता हूं तब समझ में आएगा। जो बहुत सारे बैकलॉग्स हो जाता है ना, बस सिलेबस स्टार्ट हुआ कोई क्लास का, एक दो महीना तो अच्छा चला, उसके बाद इतना बैकलॉग्स हो गया जो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है साल भर। फिर ये वीडियो देख रहे हैं, होना उससे कुछ नहीं है, क्योंकि रियलिटी जो प्रॉब्लम है वो जड़ कहीं और है। उस जड़ को ठीक करने के लिए यह एनालिसिस एंड कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या है, ये सेकेंड टाइम टेबल। जिस समय भी हम सोने जाते हैं, मान लो कि 12 बजे सोने जा रहे हो या 11 बजे मान लो सोने जा रहे हो, तो उसके ठीक एक घंटा पहले करना क्या है, तुम्हें एनालिसिस करना है कि दिन में जो हमने टारगेट सेट किया था उसमें से कौन कौन सा टास्क मेरा कंप्लीट हो गया, कौन कौन सा टास्क में क्या बचा हुआ है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर क्या हो गया, एनालिसिस हो गया। और उस एक घंटा के अंदर, लास्ट 1 आवर के अंदर तुम्हें करना क्या, वही चीज को कंप्लीट करना है जो सुबह तुमने टारगेट टाइम टेबल में बनाया था। यानी दिस इज माई सेकेंड टाइम टेबल। सोचो कि क्या होगा इसका बेनिफिट, क्या बेनिफिट होगा, मैं बतलाता हूं। देखो बेनिफिट देखना जरा, जो भी चीज को तुम टालते हो है ना, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो कि यार कल करेंगे, अरे यार इसको तो परसों कर लेंगे, वो प्रोक्रेस्टिनेशन बंद हो जाएगा, क्योंकि लास्ट आवर में सोने से ठीक एक घंटा पहले हम कर क्या रहे, जो पेंडिंग चीज है, जो नहीं हो रहा, जो कल एक्चुअली टलाने वाला था। अगर ये नहीं पता होता तो TAC स्ट्रेटजी हम क्या करते, कल जाता, कल का परसों जाता, हो गया, कहानी खत्म। लेकिन हम पर डे कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होगा, बंद, सीधा तुम बंद कर दोगे, ये होगा ही नहीं। बैकलॉग्स जो बहुत ज्यादा पाइल अप हो जाता था, धीरे धीरे पर डे बेसिस पर खत्म हो रहा है। तो जो AC यानी एनालिसिस और कंप्लीट का जो टाइम टेबल है, उसके अंदर मान लो कंप्लीट करने की कोशिश किया, फिर भी अगर कुछ बच गया तो उसको उठा के नेक्स्ट डे का टारगेट टाइम टेबल में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, ठीक है, नेक्स्ट दिन भेज दो, तो बैकलॉग्स भी धीरे धीरे खत्म। अब आता कॉन्फिडेंस लेवल, क्या होगा, ड्रास्टिकली एनहेंस होगा। प्रोडक्टिविटी लेवल जो है, जो मेरा टारगेट है कि जो भी अभी तुम्हारा प्रोडक्टिविटी होगा है ना, 1x में काम करो, 2x में काम करो, मेरा टारगेट है कि मैं इसको 10x में पहुंचाऊं। और धीरे धीरे देखोगे कि सारे सब्जेक्ट का कैसे ये PX स्ट्रेटजी जो है तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि हर चीज रूल्स, स्ट्रेटजीज, फ्रेमवर्क्स के आधार पर जो है ना काम करना शुरू कर देना, ठीक है। तो प्रोडक्टिव 10x लेवल जो है धीरे धीरे एनहेंस होने लगेगा। एक दिन में नहीं होगा, 15 दिन ये करके देखो जो मैं बताता हूँ, ऐसा टाइम टेबल बनाओ, 15 दिन के बाद रिजल्ट दिखना चालू हो जाएगा। स्ट्रेस खत्म, ड्रास्टिकली रिड्यूस। तो ये है। अब आता है कि लास्ट आवर में हमें तो समझ में आ गया कि लास्ट आवर में एक घंटा में हमें करना क्या है, एनालिसिस और कंप्लीट। ये फर्स्ट आवर में क्या करना है, और फर्स्ट आवर रूल है क्या। फर्स्ट आवर रूल ये कहता है कि फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। क्या इसका मतलब हुआ कि जब तुम टारगेट टाइम टेबल बना रहे हो, जो भी टारगेट्स लिख रहे हो, उस टारगेट के अंदर जो सबसे पहला सुबह सोकर उठोगे, जो पहला घंटा तुम स्टडी करोगे, उस ड्यूरेशन में तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई सबसे अर्जेंट मेरे लिए क्या है, कौन सा टास्क सबसे अर्जेंट है जो सबसे पहले कंप्लीट करने हमें ऐसा लगता है, वो लिखना है टारगेट टाइम टेबल में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए कौन है, वो सबसे पहले लिखना। यानी दो पॉइंट फोकस्ड होना चाहिए, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, ये दोनों को माइंड में रखो। और फर्स्ट थिंग ये हो गया मेरे लिए, उसको हम सबसे पहले फर्स्ट आवर में करेंगे, वो है मेरे लिए क्या है, फर्स्ट आवर रूल। बहुत ही बेहतरीन है ये फर्स्ट आवर रूल। ये लास्ट आवर रूल में देखोगे कि टारगेट हम सेट करते हैं, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, जो मेरे लिए अर्जेंट है, वो भी कंप्लीट हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता होगा, रियलाइज किया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि मान लो ये चीज ना पता रहे है ना, हम लोग रैंडम ऐसे कोई टाइम टेबल बना रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शाम होता है 6-7 बजता है या 8 बज गया, अब हम सोने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो उसमें लगता है अरे यार कल ये होमवर्क चेक होगा, यार ये तो हम किए ही नहीं, अब यहाँ कहीं मार खा जाएंगे, अब पता चला सोने का टाइम हो गया, करोगे क्या, फिर सब खत्म हो जाता। जो बोलते हो ना कि टाइम टेबल फॉलो ही नहीं हो पाता है, उसका रीजन एक ये भी है। तो अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, अगर उसको फर्स्ट आवर में ही हमने कर लिया डेली बेसिस पर, तो क्या है, शाम में कोई पछतावा नहीं होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट था हमने आइडेंटिफाई किया, उसको हम पहले कर लिए, ठीक। एक ये, अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा हूं क्या, कि सारे स्टूडेंट जो गलती करते हो, सुबह उठते हो, क्या है, उठे, एक तो रात में सोते वक्त ही मोबाइल पास में रखते, तो सुबह उठे तो सबसे पहले तो मोबाइल, वाह नेट ऑन किए, वाह क्या फेसबुक है, क्या व्हाट्सएप है, क्या नोटिफिकेशन है, क्या इंस्टाग्राम है, सब सुबह ही करना चालू कर देते, ये बंद कर दो। जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन बनाना चाहते हो तो बंद कर दो,
फर्स्ट आवर में। इसके साइंटिफिक रीजन होते हैं कि अगर सुबह उठ करके कहीं एक घंटा शॉर्ट्स रील्स वगैरह सब ये सब चला लिए ना, तो दिन भर का प्रोडक्टिविटी लेवल तुम्हारा खत्म हो जाता है, है ना। डोपामाइन कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा अभी आगे वीडियोस में। तो मोबाइल फर्स्ट आवर में भी मत चलाओ और लास्ट आवर में भी मत चलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट मोबाइल लास्ट आवर में, एक घंटे में, क्योंकि ये काम करना है। लास्ट आवर में सोने से ठीक पहले अगर मोबाइल चलाओगे ना, तो मोबाइल से जो ब्लू रेस आंख में आती है ना, उससे नींद नहीं आएगा। तुम्हें तो लगेगा कि यार 11 बज गया, मोबाइल चला लिया, अब तो हम सोने गए, नींद ही नहीं आएगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा। फिर देखो क्या है, जो टाइम टेबल तुम बनाते हो और बोलते हो फॉलो नहीं हो पाएगा, फॉलो तो नहीं होगा क्योंकि नींद ही नहीं आया उस समय। हमने तो 6 घंटा एग्जैक्ट कैलकुलेट किया था कि उसके बाद 6 घंटे के बाद उठना है, फिर आगे जो अपना प्रोसीजर उसको फॉलो करना है वो होगा ही नहीं। अब आता है परफेक्ट स्लीपिंग टाइम। ये परफेक्ट स्लीपिंग टाइम हमारा क्या होना चाहिए, तो देखो स्कूल गोइंग स्टूडेंट है तो मैं तुम्हारे लिए बोलूंगा कि 7 आवर्स जो है ना वो परफेक्ट स्लीपिंग टाइम है, बस इसी को अडॉप्ट करो। लेकिन अगर ड्रॉपर हो तो तुम्हारे लिए जो परफेक्ट स्लीपिंग टाइम होना चाहिए वो 6 आवर्स होना चाहिए, ना कि 7 आवर्स होना चाहिए। 6 घंटे परफेक्ट नींद, आराम से बहुत अच्छा परफेक्ट नींद आता है, और 6 घंटे के बाद जब सोकर उठोगे तो बहुत उसी तरह का फ्रेशनेस आता है, है ना। अभी 7 घंटे सो रहे होगे, 8 घंटे सो रहे होगे, लेकिन एक बार दिमाग के अंदर वो कॉम्पिटिशन रखो कि 15 से 20 लाख जो बच्चा बैठ रहा है ना, उसके अंदर जो 1% सेलेक्ट होता है वो 6 घंटे ही सो रहे हैं, बाकी 18 घंटा उसका पूरा जो है कैलकुलेशन चल रहा है, पूरा पढ़ाई में लगा रहा है। तो हम 7 घंटे अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि उसी 24 घंटे के अंदर हमें टाइम निकालना होगा। तो 6 आवर्स पे टारगेट करो। अगर 7 घंटे सोते हो ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, दो दिन में नहीं होगा, तीन दिन में नहीं होगा, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट कम करने की कोशिश करो, तो 15 दिन 20 दिन के अंदर 6 घंटे पे आ ही जाओगे। अब आता है परफेक्ट स्लीपिंग टाइम जो है ना, गो टू बेड और वेकअप टाइम जो है उसको लेकर मैं कुछ बता देता हूँ। कि अगर अर्ली राइजर्स हो, ठीक है, सुबह उठकर अगर पढ़ते हो, तो गो टू बेड का सबसे परफेक्ट टाइम है कि 11 PM, है ना, रात में 11 बजे एनी हाउस सोने चले जाओ। और अगर 6 घंटे के हिसाब से मैं बतला रहा हूँ तो उठने का टाइम हमारा हो जाएगा कितना, 5 AM, एकदम परफेक्ट। अब मान लो कि जो सुबह उठकर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक हो, बोलते हो कि सर स्कूल गोइंग जैसे स्टूडेंट हो, है ना, चाहते हो कि मैं 7 घंटे सर अगर मान लो कि अभी फिलहाल सो रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे चेंज करूँ, तो इसको कांस्टेंट रखो 5 AM, ये चेंज मत होने दो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बिफोर हो जाओ, 10 PM हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब समझने की जरूरत है, सब चीज़ के पीछे रीज़न होता है। क्योंकि अगर सुबह 5 बजे उठोगे ना, स्कूल भी है, तो फर्स्ट आवर रूल जो मैंने बताया है ना, उसको तुम कंप्लीट कर पाओगे बहुत आसानी से। 5 से 7 बजे के बीच में एक घंटा हम निकाल सकते हैं, 40 मिनट 45 मिनट कम से कम भी निकाल लो, फर्स्ट आवर के लिए द बेस्ट होगा, ठीक है। तो इसको चेंज मत करना, इसको चेंज करो। नाइट आउल्स अगर हो तो तुम्हारे लिए जो परफेक्ट टाइम है सुबह के 2 बजे, 2 से लेट कभी भी मत करो। अगर पढ़ भी रहे हो लेट नाइट ना, तो 2 से ज़्यादा लेट मत करो, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। फिर 3 बजे 4 बजे 5 बजे तक अगर उतना लेट तक पढ़ाई करते हो, सुबह उठोगे ही 10 बजे 11 बजे 12 बजे, तो फिर कहाँ से कंसंट्रेशन आएगा। जनरली तुम फेस भी की होगी ये प्रॉब्लम, है ना, अगर लेट नाइट स्टडी करते हो तो कमेंट सेक्शन बताना कि अगर 11 बजे उठे दिन में, तो पता चला फ्रेश होते होते माइंड कंसंट्रेशन लाते लाते 2-3 शाम बच जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। तो जो 6 घंटे हमने सोने में लगा दिया, बाकी जो 18 घंटा बचा उसके अंदर तो 3-4 घंटे मेरा बस फोकस्ड होने में ही चला जाता है, तो समय बर्बादी होता है। इसीलिए 2 बजे किसी भी तरह चले जाओ सोने के लिए, 6 घंटा ही सोए, 8 बजे हम यहाँ पर क्या है उठ गए। एक और चीज़ है, मान लो 2 बजे से और ज़्यादा लेट अगर पढ़ने की कोशिश करते हो, तो एक तो डिनर हम किए हैं 8-9 बजे 10 बजे, 3 बजे तक अगर पढ़े तो लगेगी भूख, और अगर भूख लगी तो समझ में आता है कि क्या होगा, किताब घसका इधर, थोड़ा कुछ खाने लगे और उसके बाद मोबाइल चलना चालू हो गया। तो सोचे थे कि 5 बजे तक पढ़ाई करेंगे, 2 बजे तो बस खाने लगे, मोबाइल रील शॉर्ट्स चल रहा है, वो 5 बज जाएगा, पता चला सब गया, है ना, और फोकस्ड कंसंट्रेशन सब खत्म। तो अब आता है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर डे, कितना सब्जेक्ट्स को हमें फोकस करना चाहिए पर डे, तो वो है सबसे बेस्ट है 2+1 स्ट्रेटजी। क्या है ये 2+1 स्ट्रेटजी, कि 2 सब्जेक्ट्स को मेजोरिटी ऑफ द टाइम दो और 1 सब्जेक्ट को थोड़ा सा लिस्ट टाइमिंग के हिसाब से, यानी कि अगर 100% में अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें ना, तो पहला सब्जेक्ट को मान लो 40% ऑफ द टाइम दे रहे, दूसरा सब्जेक्ट को भी 40% ऑफ द टाइम दिए, 80 हो गया, तो इसको हमने दे दिया 20%। एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, मान लो 6 आवर्स सेल्फ स्टडी किए ना, तो एक को कर दो 2.5 घंटे, दूसरा को भी कर दिया 2.5 घंटे, 5 हो गया, तो तीसरा सब्जेक्ट 1 घंटा, 2 सब्जेक्ट मेजोरिटी कम से कम 2.5-2.5 घंटा भी दोगे तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन तुम्हारा कवर हो पाएगा।
ताकि सिग्निफिकेंट कुछ नजर आए हमें, और एक घंटा कम से कम थर्ड सब्जेक्ट। फिर मान लो आज फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश पढ़े तो कल मैथ उठा लिए, या बायो के हो तो बायो उठा लिए, सब्जेक्ट्स को आप रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पूरा। उम्मीद है कि जो भी मैंने बताया है आज बहुत काम करेगा। ये फ्रेमवर्क्स को लगाकर सबसे पहला वीडियो खत्म होने के बाद आज करना क्या है, तुम्हें खुद का अपना एक टाइम टेबल बनाना है और कमेंट सेक्शन में ये लिखो कि यस सर आई एम गोइंग टू क्रिएट माय ओन टाइम टेबल। कहीं से मैं उठाकर छापने वाला नहीं हूं, मैं ये स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क्स लगाकर मैं खुद का एक टाइम टेबल बनाने वाला हूं। और जैसे ही टाइम टेबल बना लोगे ना तो कमेंट सेक्शन में फिर से आके लिखना जरूर कि यस सर आई हैव नाउ क्रिएटेड माय ओन टाइम टेबल विच इज द बेस्ट टाइम टेबल ऑफ ऑल।